बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के पवई गांव स्थित सीएसपी बैंक में हुई चोरी का अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने पर्दाफाश करते हुए चोरी के सामान को बरामद करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले सीएसपी बैंक के संचालक पवई गांव निवासी राजकुमार शर्मा ने विगत 8 अप्रैल को थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ दीवाल फांदकर लाखों रुपये मूल्य की चोरी करने का आरोप लगाया था। दिए गए आवेदन पर थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया, जिसके तहत पवई गांव से प्रहलाद दास को गिरफ्तार करते हुए कड़ाई से पूछताछ किया गया। गिरफ्तार चोर के निशानदेही पर सतघड़ा गांव के निक्की कुमार एवं ऋषि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार चोरों की घर की तलाशी लेने के बाद चोरी किए गए बैटरी, इन्वर्टर, डीजल इंजन, पंखा एवं अन्य सामान बरामद कर थाना परिसर ले आई। मौके पर थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार चोरों से पूछताछ की जा रही है। चोरी का पर्दाफाश होने के बाद समाज सेवियों ने थानाध्यक्ष के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दिया है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के बाजा गांव में बच्चे बच्चे के बीच हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से दो लोग जख्मी हो गए। जख्मी प्रथम पक्ष के बिजली यादव एवं द्वितीय पक्ष के नीरज यादव का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर प्रथम पक्ष के बिजली यादव ने बताया कि मेरे पुत्र एवं नीरज यादव के पुत्र के बीच खेलने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी क्रम में नीरज यादव घर पर आकर गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। मामले की लिखित आवेदन दोनों पक्षों ने थाने में देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स द्वारा जिले के हर तरह की आवश्यक सेवाओं और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में बाराहाट प्रखंड के प्रखंड सहकारिता अधिकारी रणधीर कुमार ने रविवार को पंजवारा बाजार पहुंचकर वहां कई राशन और किराना दुकान का निरीक्षण किया और दुकानों में मौजूद खाद्य सामग्री के स्टॉक की जानकारी ली। साथ ही दुकानदारों को रेट चार्ट लगाने की हिदायत दी। पूरे विश्व में फैले नोवल कोरोना महामारी को जड़ से उखाड़ फेंकने एवं उसकी रोकथाम के समुचित उपायों को लेकर बांका जिले में इन दिनों विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के घरों तक राशन की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में सामाजिक जनसरोकार को ध्यान में रखते हुए बांका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह बाराहट प्रखंड के बवनघामा पंचायत के युवा मुखिया दिगंबर मंडल के द्वारा बांका विधानसभा क्षेत्र के बांका सहित बाराहाट, पंजवारा के विभिन्न पंचायतों के गांव गलियों में पहुंचकर कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों के बीच मास्क, डिटॉल, खाना खाने के लिए चावल, आटा, दाल, मूढ़ी, चूड़ा, दालमोट, नमक का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा मुखिया की टीम के द्वारा गांव गलियों नालों को ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बारे में मुखिया दिगंबर मंडल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमेशा समाज के हित में रहकर धार्मिक कार्य करता रहता हूँ। सामाजिक कार्य करने में मुझे काफी खुशी होती है।